आइए, आपका फिर से स्वागत है। डिप्रेशन के बारे में काफ़ी चर्चा हरदम होती रहती है, और अभी एक रिसर्च के अनुमान या उसके अनुसार 2025 तक 25% लोग, 25% लोग ये दुनिया में डिप्रेशन के शिकार हुए दिखेंगे हमको। हम ये देखेंगे आज कि उसके लक्षण क्या है, मतलब साइंस क्या है। बाहर से यदि कोई किसको देखता है डिप्रेशन के व्यक्ति को, तो क्या दिखाई देगा? तो वो हम देखते हैं तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसका इलाज कर सकते हैं, यदि वो खुद भी नहीं बोलता है तभी। तो नंबर एक है कि पॉइंटलेस होना। पॉइंटलेस मतलब उसको ऐसा लगता है कि कोई किसमें मज़ा नहीं है, कोई पॉइंट ही नहीं है, कोई मकसद नहीं कुछ करने का, ऐसा उसको लगते रहता है, नंबर एक। नंबर दो, उसको लगता है कि काफ़ी सारा प्रेशर है दिमाग में, बहुत प्रेशर लगता है कि अंदर कुछ तो भी बैठा हुआ है, अंदर कुछ तो भी पत्थर रखा हुआ है, ऐसा बहुत सारा उसको प्रेशर लगता है दिमाग में। नंबर तीन, वो खुद को अवॉइड करने लगता है या आइसोलेशन में रहने लगता है, अकेले अकेले बैठना, गुमसुम रहना, लोगों को अवॉइड करना, लोगों को टालना। नंबर चार, वो खुद को जैसा एक आधा पिंजरे में बंधा बंधा हुआ रहता ना, जैसा पिंजरे में बंद करके रखा हुआ है उसने, वो खुला नहीं है लोगों के लिए, बातचीत नहीं करेगा, खुलेगा नहीं, लोगों से इंटरेक्शन नहीं करेगा, और अपने आप को बंधक बना के रखा हुआ ऐसा अपने को दिखेगा। पाँच, खुद को वो कम समझता है, मैं गंदा आदमी हूँ, मैंने बहुत सारे पाप किए हैं, मैं बहुत नासमझ हूँ, मुझे कुछ अच्छा कोई कुछ बोलता ही नहीं है, सब लोग मेरे बारे में बुरे बोलते रहते हैं, मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, इतना अच्छा नहीं हूँ, ऐसा लोगों को लगता है। फिर छः, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर कभी कभी करता है, मतलब खुद को डिस्ट्रक्शन, खुद का डिस्ट्रक्शन हो जाए, लाइक ज़्यादा स्मोकिंग करना, ज़्यादा तंबाकू खाना, बीड़ी पीना, फिर चाय ज़्यादा पीना, या फिर शराब पीना, या खुद को इंजोर्ड हो जाएगा ऐसा कुछ, खुद को मतलब ऐसी कुछ इंजरी हो जाएंगी ऐसा कुछ व्यवहार करना, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर। सात, ये व्यक्ति मरने के बारे में बातचीत करते रहता है, मतलब एक तो इसमें कोई पड़ा नहीं है, मैंने मरना चाहिए, इससे मर जाऊंगे तो अच्छा रहेगा, सबके लिए अच्छा रहेगा, मेरे लिए भी अच्छा रहेगा, ऐसा बोलते रहता है। फिर आठ, कुछ कुछ बातें वो अनरियल करता है, मतलब वास्तव में नहीं है, ऐसी बातें भी वो करते रहता है, सामने उसको डार्क लगता है पूरा, कि भाई अंधेरा अंधेरा है, और उसको लगता है कि रियलिटी में भी कुछ भी होने वाला नहीं है, कुछ आगे कुछ होप नहीं है, और सब ये जो है ना, ये रियल नहीं है, ये दुनिया रियल नहीं है, ऐसा उसको लगता है, और अब सब नाश होने वाला है। तो ये आठ। फिर नौवा जो है कि वो नम हो जाता है, नम होना मतलब सेंसिटिवनेस चले जाना, ना सुख है ना दुख है, सेंसेशन नहीं है उसको, इमोशंस नहीं है, ऐसा भी कभी कभी हो जाता है। और दस, कुछ भी रहो, कोई कारण नहीं रहे, तभी भी वो रोएगा या दुखी दिखेंगे हमको, ऐसा कुछ कारण हो गया तो बहुत सेंसिटिव हो जाता है, और फिर कुछ लोग इतना कि चालू कर देते रोना, थोड़ा भी कुछ हो गया तो उनको, और वो बीप करते रहता है। तो ये ऐसे लक्षण है, ये डिप्रेशन के जो साइंस है, जो आपको दिखाई देंगे आपके आजू बाजू वाले लोगों के बीच में या लोगों को, तो उनको ज़रूर आप सलाह दे सकते हैं कि नहीं भाई, आप इलाज कर लो, साइकोथेरेपी कर लो, काउंसलिंग कर लो, एंटी डिप्रेशन दवा ले लो, ताकि आगे नहीं बढ़ेगा। ये होता क्या है कि इसमें इलाज यदि करते नहीं है तो धीरे 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 बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है वो व्यक्ति, और आगे चल के वो तो सुसाइड कर लेगा, या फिर उसका काम धंधा बंद करेगा, नुकसान करेगा, और वो अंदर अंदर जाके नीचे अपने एक सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में नीचे चले जाएगा, फाइनेंशियल स्टेटस में नीचे चले जाएगा, और प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि लोगों का एजुकेशन होगा इसमें, और हमारा जो मकसद है मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, इसमें आपका भी हाथ लग जाएगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं, ऑनलाइन काउंसलिंग भी कर सकते हैं, हमारे यहाँ रिश्तेदारों के साथ में भर्ती करते हैं, रिश्तेदारों के अलावा लोगों को भर्ती करते हैं और लोगों का इलाज करते रहते हैं। तो ये कभी भी आइएगा, संपर्क करो, और अपने अपने प्रॉब्लम्स आप कभी भी सॉल्व करके ले सकते हैं। आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, बेल का आइकॉन आता है उसके ऊपर क्लिक करो, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।